और जो रिपोर्टर जा रखा था हमारे साथ उसकी पीठ खरोच थी पूरी की पूरी, जिसमें नारियल तोड़े थे ना, नारियल तोड़ दिया था वाला। बलाया बलाया लोग छोड़ते हैं हमारे गढ़वाल में भी, मानते हैं मौसी तो मानते हैं। अबे भाई यार ये ले मैं जानता भाई, बिल्कुल फ्रेम में आ जाओ और हमारे दोस्त आप देख सकते हो। बोलते हैं थोड़े देर वहाँ से, यहाँ पास में कई हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था और इस रूट पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं फारजोन। और आज भाई हम जा रहे हैं घूमने। घूमने कौन कौन जा रहा है? प्रकाश, मुकुल और आकाश और ऋतुराज पासा भाई में SBT में फोन कर दिया हमने उसे मिलने के लिए। ये प्लान काफ़ी पहले से था हमारा कि हमने जाना था घूमने, लेकिन बन नहीं पा रहा था, बट आज पॉसिबल हो पा रहा है तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। चलो 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 भाई चलो। बाकी अभी जाना कहाँ है उसका भी थोड़ा असमंजस की स्थिति है, लेकिन देहरादून से आगे जाएंगे। और बाकी मैंने बाइक इसके घर में खड़ी कर दी है और ये चलते हैं, हम जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप। अभी पहले बादशाह को पकड़ते हैं तो चलते चलो। तो हमारे बादशाह भाई आ चुके हैं। बादशाह भाई, बादशाह भाई, हेलो भाई। अभी जो प्लान बन रहा है वो है किमाड़ी का, किमाड़ी विलेज। अभी मैंने भी नहीं कर रखा एक्सप्लोर, तो आज देखते हैं बादशाह। अभी चलते ही निकलते आगे पास। अबे भाई यार ये मेरा चश्मा ले ले मैं जानता भाई यार। अबे ले आ गया चालान। तो भाई हम किमाड़ी से आ चुके हैं आगे, ठीक है। अभी हमें इस खूबसूरत से झरने के पास, ये देखो ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे मसूरी रास्ते पे पड़ती है। एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, ठीक है, तो अब स्टार्ट हुई है रिकॉर्डिंग। मुगल फ्रेम में आ जाओ, मुगल आप फ्रेम में आ जाओ, आगे पहुँच गए। यस मुगल फ्रेम में आ जाओ और हमारे दोस्त आप देख सकते हम एक्चुअली झरने में लगा हुआ है। यस वो अभी बिजी है, बहुत पानी पी लिया उसने सुबह से। झरना दिखाओ दिखाओ। और ये झरने का पानी कुछ ज्यादा ही पी लिया था इसने, इस चक्कर में इसको फूफू बहुत ज्यादा हो रही है। इसको देखो बाकी अभी हम चल रहे हैं आगे मसूरी के लिए, ठीक है। किमाड़ी हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे फिलहाल, और अभी इस खूबसूरत झरने के नीचे अब चलते हैं हम आगे हाथी पाँव के लिए, फिर उसके बाद शायद मसूरी के लिए निकलेंगे। प्लान हमारा रुकने का है आज, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, ठीक है, चलते हैं चलो। तो भाई किमाड़ी की रोड है बहुत पतली, तो इस चक्कर में हो रहा है यहाँ पे जाम की स्थिति है। देखो ट्रक ट्रक और आगे का गाड़ी देखो, पूरी जाम लगा हुआ है भयंकर। तो भाई अब कैसे जाएंगे हम वापस, देखते हैं या वापस जाते हैं कि आगे जाते हैं। हम तो सोच रहे थे मसूरी के लिए निकलेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पर जो जाम लगा है तो भयंकर ही स्थिति हो रही है। भाई गाड़ियों की बड़ी दिक्कत आ रहा है। आधा घंटा समथिंग हो गया हमें यहाँ जाम में फंसे हुए, और बादशाह ने अभी तक वो गाना नहीं लगाया जो हमने उसे बोला था। बादशाह ने वो गाना नहीं लगाया जो हम बोल रहे थे। गाना लगाओ ना जो हमने बोला। नेटवर्क नहीं आ रहे मेरे भाई। लेकिन नेटवर्क इसमें चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मौसम हो रहा है गजब मौसम। ये देखो तुम खुद देखो अच्छा मौसम है, चल दो इस मौसम को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा आगे। इस मौसम को नाइट एक्सप्लोर करेंगे, आज हम नाइट में स्टे करने वाले हैं पार्टी। अरे इधर कर यार। सो एक्चुअली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हियर, राइट, स्पेशली मुकुल, राइट। दिस ट्रिप इज ऑल फ्रॉम मुकुल, बट ही इज नॉट एक्सपेंडिंग एनीथिंग। मुकुल आर यू गेटिंग इट? फुल नाइट हमारा स्टे प्लान ये है कि हम ओवरनाइट सोने नहीं वाले हैं। तो
भाई साहब टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं और अब यहाँ पर से धुंध भी हट चुकी है। मैगी मुगी का नाश्ता वगैरह, मतलब नाश्ता भी क्या हो सकता है, दिन का खाना हमने खा लिया, ठीक है, चाय वगैरह पी, थोड़ा सा चिल आउट किया और अभी के लिए सामने देखो ये है मसूरी, ऊपर के लिए होगा आई थिंक सो उसके पीछे, और फिलहाल अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हाथीपाव के लिए। ओ देखो झरना, ओ देखो छोटा सा झरना, अभी शायद हम उसी रास्ते जाएंगे आई गेस। तो कैसा रहा अभी तक का आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद अभी? और जो वेदर हो रहा है वो बहुत अमेजिंग। अभी रुक जाते हैं, बाद में पूछता हूँ। हाँ तू बता। आज हम बहुत दिनों बाद एक साथ मिले हैं, तो सही बात है भाइयों के साथ। अब हम किवाड़ी को पार करके ऊपर आ चुके हैं, देखिए पागल देखिए क्या कर रहा है, अब ऊपर आ चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, ये देखो लंबी डेहरा माइंस, लंबी डेहरा माइंस या फिर लंबी धार माइंस या फिर लंबी डेहरा माइंस, तो अभी हम वहीं चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं भूत, मतलब भूतों का एरिया है ये, ठीक है। लंबी डेरा के लिए तो बहुत सारी कहानियां चलती है, रास्ता है तो उसे बदल, गाड़ी अपने कर दी ऊपर खड़ी और अब चलते हैं हम लंबी डेरा के लिए। यहाँ पे सारे भाई लोग चलते हुए बिल्कुल मस्त, फटाफट चलते हैं, इसको लगी सुसु, पर एनीवेज चलते हैं आगे, एक ऐसा करके खींच दे मेरी। हाँ ठीक है चल आ जा, चल इनकी बकवास खत्म नहीं हो रही, मारो। तो भाई साहब ये है लंबी देहरा माइंस, यहाँ की जो खासियत है ना ये है सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में आता है ये, ठीक है क्या बिल्कुल। हाँ तू मत मान, तू मानता है अभी तक तो पीछे पीछे हो रहा था, अभी तू यार बजरंग बली का हाथ हो, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात बोली। लेकिन ये रही लंबी देहरा माइंस या फिर लंबी देहर माइंस, ये देखो भाई साहब यहाँ पूरी नक्काशियाँ की हुई है, पढ़ ही सकते हो क्या क्या लिखा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ की जो कहानी है ना, यहाँ बहुत सारी हिस्ट्री है, यहाँ पे लोग मरे थे बोल के, वर्कर्स थे और गलत माइनिंग टेक्निक की वजह से इस वजह से इनकी डेथ हुई थी, तो 50,000 से भी ज्यादा लोग, और कुछ बोलते हैं कि यहाँ चुड़ैल का वास है, कुछ बोलते हैं छोड़े रहे वहाँ से, यहाँ पास में कई हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था और इस रूट पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो इस तरीके की यहाँ की कहानी है। और बाकी अभी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस, लेकिन फिलहाल अभी तो यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, देख सकते हो लोग काफ़ी सारे घूम रहे हैं, बहुत ही भूत आ रहे हो। तो आपका क्या प्लान है रात को स्टे करने का? कि रात में यही भूतों से मिलेंगे दोस्त। अच्छा आज आपका यही है, साइकोलॉजी का सारा मामला होता है कि जैसे हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में आए हैं और वहीं से माइंड सेट करके आए कि हम जो है भूतिया जगह पर जा रहे हैं, हमारे माइंड में रहता है साइकोलॉजी के हिसाब से कि हम भूत वाली जगह पर जा रहे हैं, तो हमें वही फील होता है कि हम जो है भूतों की हमें ऑटोमेटिकली वाइब आने लग जाती, वाइब आनी शुरू हो जाती है। तो भाई लंबी देहरा माइंस को हमने किया है अभी कवर, ये सिर्फ ऑफिस है, जो ओरिजिनल है मतलब वो उधर की साइड है, ठीक है, ये सिर्फ ऑफिस है और जो इस पल्ले पहाड़ है मतलब ये इस पर्वत पे मतलब इस वाले पहाड़ पे, और ये जो पहाड़ है इस पे चूना खदान होती है, मतलब ये पूरा चूना ही चूना है देखो, ठीक है, तुम्हें दिख भी रहा होगा यहाँ से देखो, ठीक है। तो ये चूने के पहाड़ है और यहाँ पे होता था जो चूने की खदान होती थी, इलीगल प्रैक्टिसेस बोलती है जिसको माइनिंग की, उनको किया था, तो उस चक्कर में यहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो रात में इफ़ यू वांट टू, बाकी काफ़ी अच्छी जगह है, लोग तो अभी तक फोटो फाटो खिंचा रहे थे, अब शायद अब निकल चुके हैं क्योंकि टाइम हो गया है 6 से ज़्यादा ही हो गया, 6:30 समथिंग, तो अब हम भी निकलते हैं, हम भी आगे की तरफ चलेंगे, देखते हैं अब होटल रूम्स वगैरह कहाँ चलते हैं, आई डोंट नो, बट फिलहाल यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। और ये देखो इन सब ने फोटो फाटो खिंचा ली हमारे साथ, एक डॉगी, बस तो तुम दोनों की फोटो खींचता रहा मैं, अब मारो भयंकर, खत्म कर दो भाई। किसमें है घोस्ट? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो भाई भी अभी आज आ रहे हैं यहाँ पे, आज शायद रुकेंगे, रुकेंगे भैया, ठीक है तो भैया रुकेंगे आज, खुद अपनी उंगली खो रखी है यार,
कुलधरा गए थे हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कुलधरा जैसलमेर राजस्थान। अच्छा अच्छा, जब मेन मंदिर है ना, कभी आप जाओगे मेन मंदिर के अंदर नारियल लटक रहे हैं, इतने बड़े बोर्ड पे लिखा है साफ साफ कि भाई कोई भी नारियल को छूना सख्त मना। फिर हमारे एक टीममेट ने क्या करा, खुजली होती है लड़कों के अंदर, फोड़ दिया। फोड़ दिया, रात में घूमा, अच्छा खासा जा रहा था अंदर, कोई नहीं पीछे। मैं कह रहा हूँ की लाइट मैन कहाँ गया, पीछे चल रहा था वहाँ हमारे, मैंने सूरज देखा, वो आ गया 2.5-3 किलोमीटर। ओ भाई साहब, सर आप तो मैं तू तो पीछे चल रहा था, वहाँ कैसे पहुंच गया 2.5 किलोमीटर, फोन कर रहा हूँ मुझे, सर कहाँ मिली, अभी तो पीछे था। शेप शिफ्टर्स कहते हैं, तो हुआ क्या उसकी, और जो रिपोर्टर जा रखा था हमारे साथ, उसकी पीठ खरोच थी पूरी की पूरी, जिसने नारियल तोड़े थे ना, नारियल तोड़ दिया था वाला। बलाया बलाया लोग छोड़ते हैं, हमारे गढ़वाल में भी मानते हैं बहुत, मानते तो ही बहुत होता है। पूरी पीठ ही खरोच थी बढ़िया, और एंड टाइम पे बंदा क्विट करने लगा था, ये पैर पकड़ लिया था, ये पूरी हड्डी जला दी। बताओ, अभी भी रेस्क्यू है उसका, चल रहा है। अच्छा चल रहा है, मतलब अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। भयंकर केस रहता है आपका, एनरीज मिचेल का नाम सुना है ना, रिसर्च करना। अच्छा, एंड्रीज मिचेल, 64 एग्जॉर्सिज्म हुए थे उस लड़की के ऊपर। अच्छा अच्छा, 7-7 डीमंस थे उसके अंदर। वही सो, बस क्या क्या खेलना, मतलब क्या बताया, एनालिस मिचेल, बहुत पूरा एनालिस मिचेल, अरे जिसके अंदर वो हिटलर पेटलर, हाँ वो सबके डीमंस आए थे। अब यार उसका भाई साहब आवाज लगा था, रिकॉर्डिंग 67 समथिंग, रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग के साथ कितने डीमंस थे उसके अंदर, 7 जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं ना, ये जो बंदे रुकते हैं रात रात में, इनका भाई खेल खत्म है एक टाइम। तो आपका शौक है या मेरा पैशन है? पैशन है भाई, तो अपने करो ना, कैमरामैन कुछ, मेरी 24। तुम अकेले के, तुम यहाँ पे रुकोगे अकेले पर? भाई वैसे तो हम भी नाइट स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, रुकना है क्या बताओ हमारे साथ? बढ़िया रुको, नहीं नहीं उसके बाद रुक जाएंगे, हमारे बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है, क्यों नहीं है, हम रुक सकते हैं, मेरे बस का तो, मैं तो मेरे बस का भी है भाई, अकेले रुक रहा है सारा ये, इसका छोड़ो, तुम आज ही रुक रहे हो, उसके बारे में सोचो। हाँ चलो, अभी चलते हैं, चलो कोई नहीं, ये चलते हैं, अंदर चलते हैं। हेलो, अब इधर नहीं, उधर की बात, इधर की बात नहीं हो रही, उधर की बात हो रही है, उधर पहाड़ की, वो पीछे, इधर वो, इधर से देख वहाँ पीछे, अच्छा वो है क्या, वो है असली, वो है मेन माइन, भाई घूमना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो तुम्हारी टीम आ रही है बोल के अभी, ठीक है ठीक है, क्या क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब हम बढ़ चले हैं मसूरी की तरफ, और हमारा नाइट स्टे कैसा होने वाला है वो बताएंगे हमें। और बाकी अभी हम चल पड़े हैं मसूरी की तरफ, हमारे साथी संगीत। So guys, हमारा होटल रूम हो चुका है, हो चुका है रूम पैक हमारा, कंफर्म कंफर्म, और पेमेंट हमने कर दी है, बाकी वो दोनों आ रहे हैं जरा सामान लेके, फिर चलते हैं रूम में, खाना पीना भी हमारा यहीं पे ही है, होम स्टे एंड रेस्टोरेंट दोनों है, तो अभी चलते हैं, चाबी ले ले और चलते हैं रूम पे, सामान वगैरह रखते हैं, और बाकी उसके बाद चलते हैं हम आगे घूमने, करते हैं मसूरी एक्सप्लोर। चलो तो भाई साहब, मुकुल और मैं निकल पड़े हैं जरा मसूरी घूमने, और हम दोनों जा रहे हैं जरा पैदल पैदल आगे की तरफ, थोड़ा गाड़ी गुड़ी का सिस्टम देख के आएंगे। बाकी सारे साथी लोग वो आगे जा चुके हैं, हम दोनों थोड़ा पीछे पीछे आराम आराम से घूमते घामते चल रहे हैं। वो भाई हाई गाइस बोल गया है लेकिन सुनाई नहीं दिया होगा, क्या क्या ही बोल सकते हैं जो वहाँ पर। एनीवेज बाकी मैं यहाँ से दिखाता हूँ तुम्हें मसूरी का व्यू रात का, ठीक है, और बाकी आगे चलते हैं थोड़ी, और देखो ये खूबसूरत नज़ारा मसूरी का, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं आगे थोड़ा विहार करते करते, बाकी सारे साथ के तो आगे चले गए, हम भी चल रहे हैं बस पैदल पैदल, और थोड़ा आगे जाके फिर वापस आते हैं, और अब मिलता हूँ मैं सीधे तुम्हें होटल रूम में, ठीक है।